तो भाई घर पे दिन सबके कैसे कट रहे हैं? ये बीमारी, ये वायरस जो फैल रहा है, इसने और कुछ किया ना किया हो, लेकिन हम लोगों को सभी को इतना वक्त जरूर दे दिया है कि हम एक बार दोबारा घर पर बैठकर अपनों के साथ समय काट सकें। कुछ लोगों को ये अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को ये बुरा लग रहा है, पर जो भी है, जैसा भी है, यही है, वो करना तो पड़ेगा। जो नहीं करेगा, इसका तो खैर ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी बात, कई लोग इस चीज़ का माहौल भी उड़ा रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं, जो आर्मी वाले लोग हैं, जो पुलिस वाले लोग हैं, उनसे दूर भाग रहे हैं कि यार उनको वो कहीं इसकी चपेट में ना आ गए हों। तो यार ऐसा मत कीजिए, उन लोगों को ये मत लगने दीजिए कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो गलत कर रहे हैं। ऐसा करने से आप उनको डिस्करेज करेंगे। अभी के वक्त में वही हमारे हीरो हैं जो आगे रहकर हम लोगों को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ अगर हम नहीं कर सकते तो इतना कर ही सकते हैं कि हम उनको एटलीस्ट अप्रिशिएट कर सकें, जिसकी कोशिश कल शाम को 5 बजे मोदी जी ने करने को कही थी। कई लोगों ने किया भी, कई लोगों ने उसमें सपोर्ट भी किया, बहुत अच्छा लगा ये देखकर। लेकिन जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे बस एक ही दरख्वास्त है कि किसी ने कहा है कि अगर आप अच्छा बोल नहीं सकते तो कम से कम अच्छा सोच लीजिए, उसी में भलाई है। तो एक शेर के साथ आज की शुरुआत करते हैं कि रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको नमस्कार आदाब, और जो दोस्त नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम नमन शर्मा है और आप सुन रहे हैं तलाश। अभी जो मैंने शेर पढ़ा वो किसी भी इंसान के अंदर की चेतना, या यूं कहें अगर कोई जागना चाहता है, कोई हार के बैठा हुआ है और दोबारा कोशिश करना चाहता है, तो उसे एक इंसान को झकझोरने के लिए काफी है। लेकिन कितना अजीब है ना, हम लोग बड़ी बड़ी जंग लड़ने की बात करते हैं, या क्लासेस में इसे फोड़ देंगे उसे फोड़ देंगे, मतलब लड़ने झगड़ने की बातें करते हैं आपस में। बट अगर आपने सही जगह पर सही शब्द बोल दिया तो वो एक शब्द ही बड़ी बड़ी मिसाइलों से बड़ा हो जाता है। हाथ उठाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, वो एक शब्द ही खेल कर जाता है। अरे ज्यादा दूर क्या जाना, कई मियां बीवी के तलाक सिर्फ एक शब्द पे हो जाते हैं। तो यहां भैया मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो बोलो सोच के बोलो और कोशिश करो कि अच्छा बोलो, और ऐसा बोलो कि वो किसी के मतलब का हो, किसी के फायदे का। ये जिंदगी में ना बहुत से मौके ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि यार अब शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या अब मैं और कोशिश नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शायद वो जो एक आने वाला मौका होता है ना, जो हमारी पूरी मेहनत का फल देगा, जो हमारे पूरे सपने सच कर देगा, वो हमारे ठीक सामने रखा होता है और हम हार मान के बैठ जाते हैं कि हमें अब नहीं करना कोशिश, अब बहुत हो, अब तो कुछ और करना ही नहीं। एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद ये सुनने के बाद आपको लगे कि क्यों कभी हार नहीं मानना चाहिए। एक दोस्त था, अभी भी है, बट हाय हेलो भी नहीं होती तो था लग गया। साथ में इंजीनियरिंग करी हमने, बाद में उसकी जॉब लग गई और मैं MBA करने के लिए इंदौर चला गया। सब बढ़िया एज पर प्लान चल रहा था, बट एक रात उसका कॉल आया और उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीट किया है। जब आप किसी दूसरे नए शहर में शिफ्ट होते हैं जाके, अपने परिवार से दूर, अपने दोस्तों से दूर, एक पूरी नई दुनिया शुरू करते हैं, और फिर कुछ ऐसी चीज आपके साथ हो जाती है तो वो आपको अंदर तक तोड़ देती है, अंदर से खत्म कर देती है, आपका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है। और क्योंकि मेरा दोस्त बड़ा ही शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो उसने कई सारी ऐसी ख्वाहिशें जाहिर करी करने की मेरे सामने, जो मुझे सही नहीं लगी। कुछ गलत भी थी, कुछ बहुत गलत भी थी, सही तो कुछ भी नहीं था। खैर उसको थोड़ा मैंने बहलाया फुसलाया, और कुछ दिन बाद मेरे पास कॉल आया कि वो जॉब छोड़ के वापस आ रहा है। अब ऐसे में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, वो इस मेंटल स्टेट में था। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है साथ में निपट लेंगे। मैंने पूछा कि भैया ऐसा क्यों, तो उसने बताया कि उसके जो बाकी दोस्त हैं, जो उसके बाकी फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने बोला है कि तू जॉब छोड़ के आ जा, तुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम लोग करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है यार, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब दो सपोर्ट करते हैं ऐसे टाइम में, वो भी अनकंडीशनली, तो सपोर्ट में जो ताकत होती है ना, वो आपको पूरी दुनिया से लड़ने में मदद करती है। लेकिन मजे की बात देखो, कुछ दिन में वो बोला कि यार वो लोग तो भाव ही नहीं दे रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे, ऐसा वैसा।
कहीं ना कहीं वो भी ये बात अंदर समझ गया था और मैं भी समझ गया था कि जो बात हुई थी ना वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ाने वाली, वो बात अब हवा हो चुकी है। अब ऐसे मुझे लगा कि यार ये बंदा ऑलरेडी बहुत नेगेटिव फील कर रहा है, अब दोस्तों ने भी इसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया तो ये और ज़्यादा नेगेटिव फील करने लगेगा। तो मैं इंदौर से कुछ टाइम निकाल के वापस भोपाल आ गया कि मैंने कहा चलो मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, इससे बात बात करता हूँ। ऐसे वैसे बैठना शुरू किया, दो तीन दिन चार दिन बैठे तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा यार अपन इस दुनिया में किसी के कंधे पे तो आए नहीं हैं, ये हमारा सपोर्ट करेगा तो ही हम आगे बढ़ जाएंगे, बल्कि हम तो अपनी दम पे आए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर तेरी मदद कर रहा है तो ही तू कुछ कर सकता है, इसलिए मैंने कहा तू अपनी दम पे करने की कोशिश कर, अगर तेरी किस्मत में होगा, तेरी मेहनत रंग लाएगी तो ज़रूर तेरा कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ऐसे ही किया उसने, फिर पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। शुरुआत में क्योंकि वो डिस्टर्ब था तो चार छः महीने तो उसको अपने दिमाग को सही करने में ही लग गए कि यार कैसे मैं फोकस कर लूँ, सिर्फ और सिर्फ फोकस, पढ़ाई तो अभी बहुत दूर की बात है, सिर्फ फोकस कर लूँ। फिर भी धीरे धीरे चीज़ें नए लेवल पर आईं, हम लोगों की बातचीत होती रही, सब चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, उसने कोचिंग्स लगाई और फिर पढ़ाई शुरू करी और सब चीज़ें धीरे धीरे ऐसे करते करते डेढ़ दो साल निकल गए। एक दिन और उसने मेरे साथ बैठा, वो बोलता कि यार नमन ऐसे तो नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहा हूँ, कोई एग्जाम क्रैक ही नहीं हो रहा है, कोई एग्जाम एक नंबर से रह जा रहा है, कोई दो नंबर से रह जा रहा है। तो मैंने कहा यार तू इस पॉइंट पे ये देख कि एटलीस्ट तेरे एग्जाम अब एक दो नंबर से रह रहा है, 30-40 नंबर से नहीं, एक दो नंबर से, मतलब कि जो ग्रेजुअली जो इंक्रीज हो रहा है नंबरों में कहीं ना कहीं अब तू उसको पार कर ही लेगा। तो उसको भी लगा कि चलो ठीक है यार ये और कर लेते हैं, तो उसने एक आखिरी झोंका और मारा। तो एक बार जब उसने दोबारा एग्जाम देना शुरू किए, आई थिंक ये दो या तीन साल पहले की बात है, तो ना जितने भी एग्जाम उसने दिए उस टाइम पे, चाहे वो किसी के भी हों, बैंक के हों, किसी भी चीज़ के हों, एग्जाम ना उसके क्रैक होने शुरू हुए, एक एक करके सारे एग्जाम क्रैक होना शुरू हुआ। और फिर सडनली विद इन थ्री टू फोर मंथ्स सब कुछ बदल गया। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब बस ये है कि आप चाहे किसी भी कंडीशन में, आपका दोस्त चाहे किसी भी कंडीशन में, आपका भाई, आपकी बहन, आपके आसपास का कोई भी इंसान किसी भी कंडीशन में हो, अगर वो आपसे मदद की गुहार करता है, मदद चाहता है, तो आप उसकी मदद करो। हो सकता है कि वो आपको सामने से बोले ना, कई लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, लेकिन अगर आप में वो कैपेबिलिटी है उस चीज़ को समझने की तो आप उस चीज़ को समझो, बिना सामने वाले को इस चीज़ को रियलाइज करवाए कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। एहसान जताना कहीं तक अच्छी बात नहीं होती, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो उस चीज़ का एहसान कभी मत जताओ उस इंसान के साथ, एहसान जता के आप उस चीज़ का एसेंस ख़त्म कर दे रहे हो, उसकी आत्मा को ख़त्म कर दे रहे हो उस काम का। कोशिश करो कि आप जिसकी मदद कर सकते हो, जिस तरीके से मदद कर सकते हो, उस तरीके से मदद करो। ध्यान रखना कर्मा के बारे में, कर्मा वो चीज़ है जो पलट के कहीं ना कहीं आपको दोबारा मिलेगी ज़िंदगी में, तो इसीलिए जो करो दिल से करो, वो कोशिश करो कि जिसको जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करो, क्योंकि इस दुनिया में सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैंने शुरुआत में कहा ना कि आर्मी, डॉक्टर, पुलिस वाले लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो उन्हीं को भगा रहे हैं, उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, आपको घर में बैठने को कहा गया है, बाहर निकल के मस्ती करने से क्या मतलब है, झुंड में लोग घूम रहे हैं, पुलिस की आवाज़ आ रही है तो भाग रहे हैं, मतलब घूमो। ऐसे लोगों को मेरी एक ही सलाह है कि आप खूब घूमो, जब मौत सर पे खड़े होकर नाचेगी ना तो उसके बाद गवर्नमेंट ही याद आएगी कि यार गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, भाई तुम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हो। इसीलिए किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी और का अच्छा नहीं कर सकते, तो ये वक्त है खुद के लिए अच्छा सोचने का। थोड़े सेल्फिश बन जाओ, घर में बंद करके रखो खुद को, कुछ ऐसा करो जो आपने सही सालों से ना किया हो, देखना कुछ अच्छा ही निकल के आए। तो मेरे आज के तलाश के इस एपिसोड में बस इतना ही।